सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। माता जी सर, जय माता दी बेटा, जय माता दी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। राम राम गुरु जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। सर लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है ना? हाँ जी, अभी स्टार्ट होगा बस। सर वो टैली हो गई थी बैलेंस शीट ना, वही था ना? हाँ हो गई थी। वो एक्चुअली सर हो गई सुबह, थी ना, हमने मेहनत करी थी उन्होंने साथ मिल के। नहीं, बहुत अच्छा सही किया। बात है। सुबह एक्चुअली क्या हुआ, वो नेट नेट वाला आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसने नीचे से वो राउटर चेंज करने लगा था बिना बताए। कल एक ने क्लास रोक दी, बहुत झाड़ लगी आज उसको। हाँ सर बैठा के अकाउंट्स पढ़ाते हैं उसको भी, आज रिडेंशन डिवेंचर पढ़ाते साथ में, सुधर जाता, समझ क्लास जाता है एक सीए से कोई लेने का। उसमें इसीलिए ब्रेक हो गई। अब पता है, अब सब कुछ एकदम ऐसा है कि क्लास ब्रेक हो ही नहीं सकती। अपने यहाँ पे नेट का कनेक्शन आज ब्रेक हो ही नहीं सकता। सर मस्त आ रहा है, मस्त बिल्कुल क्लियर आ रहा है, क्लियर मस्त। देखो बेटे, आइए जी हम लोग शुरू करते हैं क्लास। ओके सर। लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिसमें हमने क्या क्या चीजें कर ली थी, हमने कर ली थी इसकी जनरल एंट्री भी कर ली थी, हमने इसका लेजर भी बना लिया था। बनाया था कि लेजर या होमवर्क दिया था मैंने आपको? सर होमवर्क दिया, सर लेजर होमवर्क था, लेजर होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था। अच्छा, ठीक है। जो आपने नहीं किया ऐसा ही है। सर कर लिया, सर कर अच्छा लिया, हो ओके। गया सर। ऐसा कैसे हो सकता है, सी वाले बच्चे होमवर्क सर पूरा कर सकते हैं हम, आपके स्टूडेंट लिया? हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग, सब कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं फिर तो मेरे को, वेरी गुड। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे शुरू हो जाते हैं। सर इलस्ट्रेशन 1 में जो स्टडी मैट है वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा कि एक साथ किया तो चलेगा? स्टडी मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, मतलब मटेरियल में जो सोल्यूशन है ना 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 ना, लेजर ऐसे का, ऐसे नहीं करना। हाफ पे नहीं कर रखा है, आपको तो हम एक ही बार कर कंप्लीट देते हैं ना अकाउंट बना के। सेट 1 शॉट में करना है बेटे, कंप्लीट सेट। वैसे नॉर्मली करते हैं, ये पता नहीं कैसे प्रेजेंटेशन उन्होंने दे दी। ऐसे कभी नहीं होता। कभी भी हम बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं तो ईयरली करते हैं। ये हो सकता है कि वैसे सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि थोड़ा सा और बच्चों को इजी महसूस हो, है ना? और इजी होता है महसूस जब हम एक एक दिन के बैलेंस निकालते हैं, दो दो तीन दिन के बैलेंस अलग अलग कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। बस उसी पर्पज से दे रखा है, नथिंग एल्स। एनीवेज, ये आपने कर ही लिया जी सेकंड फर्स्ट वाला। तो आओ बेटे, सारे बच्चे आएंगे अब सेकंड वाले इलस्ट्रेशन पे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में अगर बताएगा तो ठीक, और नहीं बताएगा तो कैसे करना है। कुछ करने के नंबर होते हैं, एक अजम्पशन होती है, बिल्कुल जैसे वैसे इनकम टैक्स में होता है ना, कि कुछ ना बोले तो हमने मान लिया जी तो नॉन रेजिडेंट है जी, इसकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, हमारा क्वेश्चन लाओ हमारे 16 नंबर। ऐसे नहीं होता, वहां पे कुछ मानकर अजम्पशन लेने के नंबर होते हैं। ऐसे ही बेटे यहाँ पर भी हमारी जो अजम्पशन होती है वो एक ऐसी अजम्पशन होनी चाहिए जहां पे हमारे से कुछ मेहनत करवाए। तो अब इस क्वेश्चन में तो चलो बता दिया, कहीं ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पर नहीं बताएगा, वहां पे क्या करोगे? हम यही मानेंगे अनलिस्टेड कंपनी अदर देन। तो बेटे जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमने क्वेश्चन में देखा अनलिस्टेड और अदर देन, बस शुरू हो गई क्या, डीआरआर DRL पे बनेगी, डीआरआई 10% होगा। हाँ, DRR और DRI बनेगी। और अनलिस्टेड अदर देन, ठीक है जी। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए सारे बच्चे, शुरू करते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 2। बाई फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। एक बेटे कंपनी की बुक्स में ये बैलेंस है एज ऑन 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 को ये बैलेंस है जी। 6% मोड के डिबेंचर चले आ रहे हैं, 100-100 रुपए वाले, यानी बेटे 6 लाख रुपए के।
DRR पहले से बनी हुई है 50,000 की, हमें मन मन में सोचना है क्या कितने के डिबेंचर्स हैं, 6 लाख के, ठीक है, क्या 6 लाख का, 6 लाख थोड़ी 10 लाख के ना, अच्छा सॉरी 10 लाख के, ओके ओके 10 लाख के, तो 10 लाख का 10% DRR बननी होती है, 1 लाख बनना चाहिए था, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख DRR होनी चाहिए, और 1 लाख रुपए की DRR में से कितने की DRR पहले से बनी हुई है जी, बनी हुई है पहले से ही 50,000, इसका मतलब अप्रैल एक मतलब स्टार्टिंग वाली डेट, अब यहाँ पे अप्रैल है क्या, ना जी ना, यहाँ तो जी जनवरी से दिसंबर का ईयर चल रहा है, हाँ जी, तो बेटे ध्यान से, जब हमारा जनवरी से दिसंबर का ईयर चल रहा है तो स्टार्टिंग वाली डेट हमारी जनवरी एक ही मानी जाएगी DRR बनाने की, ये नहीं कि हम लोग शुरू हो गए, क्या मतलब सर, भाई DRR हमारी जब भी बनती है वो हमारा स्टार्टिंग में बनती है, तो हमें DRR बनानी बेटे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और स्टार्टिंग में ही हम लोग DRR बना लेंगे जनवरी एक को ही, तो जो छुट्टी हुई है DRR हम पहले तो वो बनाएंगे, नंबर एक बात, ठीक है, नंबर दूसरी बात, अब देखो बेटे कितने का इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए, आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट जो है इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रखा है जी शेड्यूल बैंक में, अच्छा जी, फिर क्या क्या फ्री फ्रॉम चार्ज, ओके 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है जी, 4% के हिसाब से रिसीवेबल, रिसीवेबल है 31 दिसंबर को हर साल, बैंक बैलेंस विद कंपनी कितने का है जी, बैंक बैलेंस 9 लाख का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है जी पेड अप टू 31 दिसंबर 2001, बेटे माइक ऑफ रखा करो, जब आपके यहाँ पे आवाज आ रही हो तो प्लीज आप बाकी बच्चों के लिए दिक्कत ना होने दो, अच्छा ऑन फरवरी 28/2002 इन्वेस्टमेंट रियलाइज किए गए जी एट पार, ठीक है जी बेच दिए जी इन्वेस्टमेंट फरवरी 28/2002 एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 101, रिडम्पशन हुआ जी 101 के हिसाब से टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, चलो जी आओ जी शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन का ग्राफ, अब कोई ऐसी चीज नहीं है जी जो अपने को ना आती हो, हम लोग शुरू हो जाएंगे अलोंग विद ग्राफ, लो जी आंसर नंबर 2, यहाँ पे मुझे क्या करनी है बताओ बेटे, एग्जाम में अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैं इन द बुक्स ऑफ पहले बनाऊंगा जी जनरल एंट्री, जो जो पूछता जाएगा वो बनाता जाऊंगा, इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम है बस अनलिस्टेड कंपनी, पहला पार्ट है जो हमें करना है वो है जी जनरल एंट्रीज, तो मैंने यहां पर 3 पेज छोड़ दिए, पता नहीं जनरल एंट्रीज कितनी करनी हो लगभग ट्रांजैक्शन के हिसाब से, तो मैं यहां पर आगे, यहां पर मुझे क्या चाहिए बेटे, लेजर चाहिए होंगे, एग्जाम में मैं बैठा हूं तो हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, अगर मुझे सारी चीजें करने के लिए आ जाएं तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, मैं एक पेज पर एक ही लेजर बनाऊंगा जी, मैं एक पेज पर एक ही लेजर बनाऊंगा, पता नहीं जी ट्रांजैक्शन कितनी सारी हो, क्या मैं डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर मैं बस डेट और पार्टिकुलर्स और अमाउंट डेबिट क्रेडिट का कॉलम खींचूंगा जी, इसे बोलते हैं बेटे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, हमारे से एग्जाम में डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट LF ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता है एग्जामिनर, तो जी 6% मोर्टगेज डिबेंचर अकाउंट, एक तो जी मैंने बनाया 6% मोर्टगेज डिबेंचर अकाउंट, अगले पेज पे लेजर मैंने फिर से एक कॉलम और खींचा जी, तीन लेजर तो भाई पक्के हैं ही, DRR DRI और डिबेंचर, लो जी हाँ जी, और कौन सा बनाए जी DRI,
फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी वर्किंग नोट। और इस वर्किंग नोट में मैं सबसे पहले बना रहा हूँ जी अपना ग्राफ। ग्राफ बनाने से मुझे बस ये तसल्ली हो जाती है कि मेरा कोई भी पॉइंट इसमें छूट नहीं रहा जी। लो जी ईयर मेरा कहां से कहां तक है जी, जनवरी 1 से लेकर के दिसंबर 31। कई लोग खाली ऐसे लाइन खींच के छोड़ देते हैं, बेटे मर्जी आपकी जैसे आप बनाना चाहो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव ग्राफ रहता है। जनवरी 1 दिसंबर 31 लो जी। सबसे पहली बात बेटे ओपनिंग बैलेंस है अपने पास में, फेस वैल्यू 10 लाख, 6% डिबेंचर्स एक तो जी है हमारे पास में, और क्या है जी हमारे पास में, और जी हमारे पास में डीआरआर है जी। डीआरआर है जी कितने का, 50,000 रुपए का। लो सेज, लो कितना कहता है, लो सेज लो कितना कहता है, लो कहता है जी 10 लाख का कम से कम 10% तो आपको होना चाहिए, यानी कि 1 लाख होना चाहिए, हमें पता चल गया जी। नेक्स्ट DRI कितने का है जी, DRI कितने का है जी, DRI है जी 1,50,000 रुपए का है जी, और एट द रेट ऑफ 4% पर एनम का है जी इन्वेस्टमेंट ये जो है। ओके नेक्स्ट बैंक, अच्छा लेकिन लो क्या कहता है जी इसके बारे में लिख लो जी साथ के साथ में भाई, लो ये कहता है, लो सेज, लो सेज कि भाई जो भी आपके रिडम्पशन ड्यू हो एटलीस्ट 15% उनका, एटलीस्ट 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन जो आपके ड्यू हैं इन करंट ईयर उतने का आपका डीआरआई होना चाहिए मिनिमम। यहीं पे बेटे हमें हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस भी बता रखा है जो है 9 लाख रुपए। चलो जी सारी कहानी हमारे सामने, किताब को हमने रख दी साइड, लेकिन एक दो बात इसने और बताई, क्या ये कह रहा है भैया ये जो पिछला ईयर गया क्या जो पिछला ईयर गया वो तो था जनवरी 1 2001, ये है आपका 2002 क्योंकि वो दिसंबर 31 2001 के बैलेंस बता रखे थे। अच्छा पिछला साल 2001 का था, अब 2002 का है। कह रहा फरवरी 28 को इन्वेस्टमेंट भेज दिए गए, फरवरी 28 को इन्वेस्टमेंट सोल्ड और डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया। लो जी पहली बात तो यहाँ पे आएगा जी जून 30 दिसंबर 31 वही है ना डेट, इसकी अलग डेट तो नहीं दे रखी, कुछ बताया है क्या, क्या क्वेश्चन, साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें शायद। जून 30 दिसंबर 31 सुनिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू दिसंबर 31 2001। ओहो यहाँ पे तो इंटरेस्ट की डेट ही अलग है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की डेट सिर्फ यहाँ पे है, इंटरेस्ट वन शॉट में जाता है जी। ओके तो जी यहाँ पे 28 फरवरी को इन्होंने दो काम किए, एक तो बेटे डीआरआई सोल्ड नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी किया इन्होंने फरवरी 28 को, डिबेंचर्स रिडीम्ड एट द रेट ऑफ 101। और कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा इसमें, ना जी ना, बस इतनी बात इन्होंने कह दी जी। चलो जी तो क्वेश्चन हमारे सामने है जी, अब आराम से बेटे बड़े प्यार प्यार से, सबसे पहले ट्रांजेक्शन किस डेट को होगी, जनवरी 1 को होगी। तो सारे बच्चे जरा फोकस बना लें, हमारी जो
ट्रांजैक्शन होगी इसमें वो कौन सी होगी? नंबर एक यहाँ पे होगी जो भी हमारी लो के अकॉर्डिंग मिनिमम डीआरआर बननी थी जो अभी तक नहीं बनी हुई है, हम वो डीआरआर बनाएंगे। पहली ट्रांजैक्शन तो बेटे यहाँ पे होगी जो शॉर्ट में डीआरआर है, हम लोग वो वाला क्रिएट करेंगे। नंबर एक बात, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? आओ जी। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिबेंचर का रिडम्पशन होना है वो सारे डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना है, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे डिबेंचर्स यहाँ पे कितने रिडीम हो रहे हैं देखना जरा। इन्वेस्टमेंट तो है यहाँ पे, डिबेंचर्स अच्छा ओके ठीक है जी, यहाँ पे सारे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, इसका मतलब बेटे पूरे 10 लाख का रिडम्पशन ड्यू है। तो यहाँ तो इंटरेस्ट की बात होगी नहीं, पिछले वाला इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं, क्लियर। जब यहाँ रिडम्पशन करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। आओ जी, तो 10 लाख का रिडम्पशन होना है तो 10 लाख का मिनिमम 15% होना चाहिए। क्या यहाँ पे है डीआरआई? यस, यहाँ पे डीआरआई है जी, 15 लाख की 10 लाख का 10%, 1.5 लाख रुपए का डीआरआई है, 1.5 लाख रुपए का डीआरआई है बना हुआ ऑलरेडी, एज पर लो पूरा कंप्लायंस है। तो बेटे मैं शुरू करता हूं। नंबर एक डीआरआर की बात करेंगे, जो छुटा हुआ है डीआरआर वो बनाएंगे। नंबर दूसरी बात, फिर ट्रांजैक्शन आएगी यहाँ पे डीआरआई को बेचने की। नंबर तीसरी बात, यहां पर इधर जो हमारा डीआरआई है बेचा है उस पे बेटे इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। नंबर चौथी बात, यहाँ पे जो रिडम्पशन होगा डिबेंचर्स का उसमें, नंबर पांचवी बात, इंटरेस्ट भी जाएगा जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो भी पे किया जाएगा जी, क्लियर। तो चलो बेटे शुरू हो जाते हैं। नंबर छह, फिर क्या होगा बेटे अपना डीआरआर फ्री हो जाएगी। नंबर सिक्स, डीआरआर क्या हो जाएगी फ्री। आइए एक बार गिन लें इनको। नंबर वन, जो डीआरआर कम पड़ रही है वो बनाएंगे। नंबर टू, डीआरआई की तरफ देखा हमने, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी ना, तो नंबर टू इधर आ गया, डीआरआई को फिर 28 फरवरी को बेच दिया जाएगा। नंबर थ्री, जो डीआरआई हम बेच रहे हैं उस पर इंटरेस्ट भी तो रिसीव होगा। नंबर फोर, हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे जी। नंबर फाइव, उन पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे जी। नंबर सिक्स, आफ्टर रिडम्पशन डीआरआर हमारा फ्री हो जाएगा जी। बस बच गया, चलो जी शुरू करते हैं। आओ बेटे, लो जी, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं तो सोचा था पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले ईयर 2002 में जनवरी 1 को एंट्री हुई, जितने रुपए की शॉर्ट में डीआरआर है वो डीआरआर हम लोगों ने बनाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर बीइंग DRR created 1 lakh minus 50,000, यानी बेटे 50,000 का नया पार्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट किया DRR में। सही कह रहा हूं बेटा? सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो जल्दी, वरना झपकी आएगी। हाँ जी, तो पहली तो एंट्री ये हो गई। अच्छा, फिर जनवरी 1 को हमने डीआरआर बना ली। अगली बात, नंबर सेकंड वाली बात, फरवरी 28 को आए जी अगली डेट, है ना? फरवरी 28 को है जी अगली डेट। सर जी बोलो जी। सर मैं बोल रही थी कि जैसे यहाँ पे डीआरआर कम थी, अगर डीआरआई शॉर्ट होती तो हम क्रिएट करते, बिल्कुल तो करते, अप्रैल को ही क्रिएट करते, बिल्कुल करते बेटा, बिल्कुल करते, अप्रैल 30 को, 30 अप्रैल को ही करते। नहीं बेटे, इसी डेट को कर देते, क्योंकि रिडम्पशन ड्यू के हिसाब से हमें वैसे एज पर लो फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 30 को होनी होती है डेट, लेकिन हमारे पास में वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो हम कोई भी प्रूडेंस बेस पे काम करेंगे, जब भी करेंगे हम तो जनवरी 1 को कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये नहीं होगा कि हम जनवरी 30 तक का वेट करें भाई, या तो हमें फाइनेंशियल ईयर दे
तो हम अप्रैल 1st और अप्रैल 30 को मानेंगे, अदरवाइज हम प्रूडेंस लेके चलेंगे, आज ही हम सारा काम निपटा के चलेंगे। आइए जी, बैंक डेबिट टू DRI और टू इंटरेस्ट ऑन DRI, हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आओ जी, बीइंग DRI सेपरेट एंट्री कर सकते हैं ना, बैंक टू DRI, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRI, एंड दो दो एंट्री कर सकते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन DRI आल्सो रिसीव्ड। लो जी बेटा, बताओ भाई DRI कितने में बेचा? पार पे बेचा जी, पार पे बेचा। अच्छा, था कितने का DRI? DRI जी 1.5 लाख रुपए का था, तो ठीक है 1.5 लाख रुपए का DRI 1.5 लाख रुपए में गया, लेकिन वहां तक की डेट तक डेट का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना जी? बिल्कुल मिलेगा जी। बताओ बेटे वहां तक की डेट कहां तक की? 5% के हिसाब से। हाँ जी सर, 4% 4% के हिसाब से, और कितना है रिसीवेबल 31 दिसंबर ईच ईयर, तो कितना आ गया जी? 1,50,000 का। मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में निकालता हूँ जी, ये तो है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1,000 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन DRI, प्रिपेयर वर्किंग नोट, 1,50,000 जनवरी और फरवरी, फरवरी 2 महीने का था। हाँ जी, 2/12 1,000 रुपए 1,000 रुपीज ये हमारा इंटरेस्ट मिला जी। लो जी 1,000 रुपए यहाँ पे भी हो गया जी शुरू, यानी बेटे 1,51,000 रुपए। नेक्स्ट, फरवरी के बाद में मैं बढ़ा जी, फरवरी 28 के बाद में मैं आगे बढ़ा अगली डेट पर। फरवरी 28 को ही दूसरा काम फिर से हुआ जी, क्या सबसे पहले हुआ बेटे? रिडम्पशन ड्यू, लो जी रिडम्पशन ड्यू करो जी। हाँ बेटा, कितने के डिबेंचर्स हैं? 10 लाख के। नाम क्या है इनका? 6% मॉर्गेज डिबेंचर, 6% डिबेंचर्स, प्रीमियम भी है इसमें 1 रुपए का। हाँ जी, 1 रुपए। लो जी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख हो जाएगा 10%। सर 1 रुपए का ही है ना, कितने हैं? 10,000। अच्छा 10,000 आएगा ना। ओके 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 ओके, 10,000 × 1 है ना? यस हाँ सर। और ये हो गया 10,000 × 100। ओके, टू 6% डिबेंचर होल्डर्स 1,10,000 रुपए बीइंग 6% डिबेंचर रिडम्पशन ड्यू, ये मानते हुए कि यहां तक आपको क्लियर है, मैं अगले पेज पे चल रहा हूं जी। एक मिनट में स्क्रीन फ्रीज कर देता हूँ, किसी को नोट करना हो तो कर लेगा। लो जी सर। हाँ बेटा जी सर, एक बार फर्स्ट वाली एंट्री एक बार आप वापस बताना। अच्छा, कौन सी वाली? नंबर 1? हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली। अच्छा, बस एक कोशिश करना कि बेटे साथ साथ पूछ लोगे तो थोड़ा सा आसानी रहती है ना। आओ जी देखो बेटा, हमारे पास पहले से DRR बना हुआ है बेटे 50,000 रुपए का, और एज पर लो जो DRR बनना है वो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख है, उसका 10% बनना है 1 लाख, 1 लाख, और पहले से बना हुआ है 50,000,
50,000 तो कितना और बनाना है हमें 50,000 50,000 तो हमने यहाँ पर नए वाला 50,000 बनाया 50 पहले से था ताकि अच्छा। हमारा 1,00,000 हो जाए एज पर लो इसीलिए हमने बनाया था ये ग्राफ आप एक बार पहले ग्राफ देखो 50,000 का DRR पहले से चला रहा है ओपनिंग बैलेंस हमने इसी डेट पर नया DRR बना दिया 50,000 का कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा क्योंकि 10,00,000 की फेस वैल्यू इसका 10% कम से कम होना चाहिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये बच्चों ने नोट कर लिया है फिर भी मैं एक बार स्क्रीन फ्रीज करके तब आगे बढ़ूंगा चलो जी अब मुझे एक बात और बताओ यहां पर इंटरेस्ट के लिए हमारी क्या कहानी है इंटरेस्ट के लिए हमारा कह रहे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2001 भाई यहां पर सिर्फ इतना कहा गया 31 दिसंबर तक का पे कर चुके हैं ठीक है तो इसके बाद का पे करेंगे है जी हाँ उसके बाद का पे करेंगे आज रिडम्पशन किस डेट को हो रहा है 28 फरवरी को तो ठीक है बेटे 28 फरवरी को जब रिडम्पशन हो रहा है यहाँ पर इसका इंटरेस्ट भी पे करेंगे इंटरेस्ट पे कर लो जी पहले इंटरेस्ट टू बैंक 10,000 इंटरेस्ट अकाउंट रेस्ट अकाउंट डेबिट बेटे माइक प्लीज ऑफ रखना जो स्पीकर पे सुन रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 10,00,000 पर 4% के हिसाब से है ना कितना नहीं 6% के हिसाब से 6% के हिसाब से 6% इनटू 2/12 यहां से लेकर यहां तक का हां जी वर्किंग नोट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर्स दस लाख पर 6% इनटू 2/12 इनटू 2/12 10,000 सर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत चलिए जी आओ बेटे अगला नंबर अब हम क्या करेंगे ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं कितना देना है जी इनको 10,00,000 10,00,000 आओ बेटे फिर इनका पेमेंट करते हैं लो जी पहले इंटरेस्ट का पेमेंट और अब 10% डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 10,00,000 6% डिबेंचर सॉरी 6% वेरी गुड सर एक चीज पूछ रहे थे सर आपसे 10,00,000 हाँ बेटा पूछो बाबू जो इंटरेस्ट का पेमेंट आपने ऊपर अलग से एंट्री मारी है तो ये डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट कर रहे थे इसी साथ में एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बिल्कुल जी कर सकते हैं पिछली क्लास में मैंने की मैंने एंट्री कर दिया सर 6% डिबेंचर टू इंटरेस्ट टू बैंक मैंने लास्ट क्लास में एक साथ ही की थी कोई दिक्कत नहीं अब पर मैंने अलग कर मैंने ऐसे ही कर लिया सर कोई दिक्कत नहीं बेटे ओके सर 6% डिबेंचर होल्डर्स पेमेंट मेड इसके बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी अब क्या रह गया जी बताओ जल्दी से बच्चों जनरल गवर्नमेंट डीआरआर को जो है वेरी गुड सबसे पहले डीआरआर को अंदर कर लो सर प्रीमियम राइट ऑफ नहीं करेंगे कर रहे हैं ना आप चिंता क्यों कर रहे हो सारे काम कर रहे हैं हां जी कितने की डीआरआर बनी हुई थी 1,00,000 सर 1,00,000 लो जी बीइंग
DRR transfer to general. Transfer to general reserve. हाँ जी PNL debit to premium payable on redemption. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा पुराना डाटा, इसलिए हम यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे 10,000. PPOR written off. अगला काम और क्या है जी? अब तो बेटे ईयर एंड का है, दिसंबर 31. हाँ जी दो चीजें हैं, एक तो जी इंटरेस्ट हमारी हमारा एक्सपेंस है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस. कितने का है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस? 10,000 का. बी एक है हमारा हमारी इनकम इंटरेस्ट ऑन डीआरआई डेबिट टू पीएनएल 10,000 रुपए का. सर 1,000 है इंटरेस्ट ऑन डीआरआई. कितना है डीआरआई का? 1,000 है डीआरआई के ऊपर इंटरेस्ट. अच्छा हाँ भाई 1,000 है, सही कह रहे हो. यस 1,000 है. फटाफट से लेजर में पोस्टिंग करेंगे जी. सर इसमें तीन ही बनेंगे ना लेजर, डिबेंचर्स का डीआरआर और पीआरआई. डिबेंचर्स 2000 लास्ट वाली एंट्री दिखा दीजिए. अच्छा जी लो बेटा नोटेड. ओके जनवरी 1st बाय बैलेंस बीडी गो डाउन 10,00,000. फिर 28 फरवरी ना 28 फरवरी को 28 फेब 2.6% डिबेंचर होल्डर्स 10,00,000. ये अकाउंट तो बेटे यहीं पे बंद हो गया. यस सर. डीआरआर अगला फिर है बेटे डीआरआर. ये बेटे इसका भी क्रेडिट बैलेंस है. यस सर. बाय बैलेंस बीडी जनवरी अप्रूव्ड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. इसका बेटे 50,000 रुपए का पुराना बैलेंस चला आ रहा था. यस सर. हमने दोबारा क्रिएट की थी और जनवरी 1 को हमने फर्दर क्रिएट की थी बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन. हाँ ये बात ध्यान रखना, पूरा वर्ड हमारा अप्रोप्रिएशन से होता है ये. ठीक है सर. फिर हमने फरवरी 28 गवर्नमेंट ट्रांसफर प्रेजेंटेशन में एक चीज और थोड़ा सा आप ऐड कीजिए. जब भी आप लेजर पोस्टिंग करें तो बच्चा पता क्या करता है, दिसंबर 31 भी आएगी ना तो वो यहाँ पे टांग देगा ऊपर, जैसे जनवरी से पहले दिसंबर 31 आती हो. थोड़ा सा ना आप बेटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बढ़ना ऐसे ही नहीं बना था, और वो प्रेजेंटेशन में बहुत महत्व रखती है चीजें. आप जैसे जैसे डेट आए तो आप ट्रांजेक्शन को ना नीचे उतारते ले आया करो, आपकी प्रेजेंटेशन में आपको खुद ही समझ में आएगा. बुक में भी ऐसे करते हैं इनफेक्ट, लेकिन हम लोग ना इग्नोर करके चलते हैं उनको कई बार. अच्छा DRR टू जनरल रिजर्व 28 फरवरी 1,00,000. 1,00,000 जी. 1,00,000 ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन उनसे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है निकल के. इसके बाद में अगला है जी हमारा DRI. लो जी बेटा जी
डीआरआई में चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 2002 जनवरी फर्स्ट, और ये बिक गया 28 फरवरी को, 28 फरवरी बाई बैंक 1,50,000, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं था। और कोई लेजर आपको ऐसा लगता है बनाने का है तो मुझे बताओ बेटे, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, वो सब क्या है, वो सब पूरे पूरे नॉमिनल में ट्रांसफर हो ही रहे हैं। नहीं तो आओ बेटे, अगर नहीं बनाते तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे। नहीं जी, जो क्वेश्चन बेटे नेसेसरी लेजर में तो यही है, नेसेसरी जो लेजर्स होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपसे पूछेगा, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स जो जरूरी है। अब जरूरी कौन से है, जो डिबेंचर रिडेम्पशन वाली बातों को समझाएं। अब इंटरेस्ट वो सब क्या है कि नॉमिनल बैलेंस से सीधा पीएन में ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो नेसेसरी लेजर में ये तीन लेजर आते हैं। तो आइए जी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं। सर एक बार मोटिव डिबेंचर वाला दिखा दीजिए, अकाउंट फर्स्ट वाला डिबेंचर वाला लेजर। यस सर। ओके बेटा, सर मीटिंग भी ओवर होने वाली है, एक मिनट में। हाँ हाँ, 2 मिनट का टाइम बच रहा है। डीआरआर दिखा दीजिएगा मुझे, डीआरआर। लो जी, मैं डीआरआर भी ले आता हूँ। सर नोटिस। ओके। लो बेटा डीआरआर। सर हमसे डायरेक्टली लेजर मांगा तो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूँ। आपको सिलेक्टेड पार्ट एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट करना है, ठीक है? ओके सर। डीआरआई लोग, कोई बच्चा कह रहा था डीआरआई दिखा दो। लो भाई, जो क्वेश्चन मांगी वो देना है जी। वो कहते हैं ना, खाओगे अगर कौवा बिरयानी तो आवाज क्या मुर्गा बिरयानी की आवाज आएगी, तो वही काम है बेटे। मांगेगा अगर लेजर तो उसको गारंटी देंगे, तो फिर वो नंबर नहीं देगा बच्चों। खैर मजाक कर रहा हूँ, कभी तुम लोग नाराज हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3, और हम लोग चलते हैं नए वाले लिंक पे। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, आइए जी नए लिंक पे चलते हैं।